is Riddhi and today's video is about types of book readers. So, I have seen a lot of book readers. So, the first type is series junk. इस टाइप के जो बुक रीडर्स होते हैं ना, इनकी क्या प्रॉब्लम होती है, अगर उन्होंने आज कोई सीरीज़ पढ़ी ना, इनको ना दूसरी सीरीज का इतना वेट होता है कि ये दूसरी सीरीज का वेट ही नहीं कर सकते कब आती का। और इन लोगों को सबसे ज़्यादा सीरीज़ की किताबें पढ़ना ही पसंद है, क्योंकि क्या होता है वो किताबें ना एकदम फ्लो में होती है, एक ही स्टोरी का फ्लो होता है, तो उन्हें इस टाइप की किताबें ज़्यादा ही पसंद है। और जो दूसरे है वो है पॉलीगैमस रीडर। इन टाइप के जो रीडर्स होते हैं ना, इनको ना एक बुक एक वक्त नहीं पढ़नी है, ये सब बुक ख़त्म जरूर करेंगे, सारी किताबें ख़त्म करेंगे, लेकिन इनको ना एक टाइम पर ना मल्टीपल किताबें पढ़ना पसंद है। हम जैसे सारे बुक लवर्स को तो एक बुक पढ़ना ही अच्छा है, पर इन लोगों को ना जो मल्टीपल बुक्स के जो जगह या जंबल्स होते हैं ना, उनको वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं। तीसरा है हैबिचुअल बुक लवर क्लब्स। तो इन टाइप के जो लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ उनके साथ दोस्ती करते हैं जो बुक लवर क्लब्स में है। लाइक कुछ कुछ क्लब रहते हैं, इस टाइप के क्लब उस टाइप के क्लब, तो उसमें एक बुक लवर क्लब होता है, तो इस टाइप के क्लब लोगों के साथ में लोग जाता रहते हैं। तो इनको ना सिर्फ जो किताबें पसंद करते हैं या फिर जो किताबों वाले क्लब्स होते हैं वो ही ज्वाइन करने वाले हैं। चौथे होते हैं पार्शियल बुक लवर्स। ये टाइप के बुक लवर्स ना हर एक बुक पढ़ेंगे, पर पार्शियल मतलब आधी आधी किताबें पढ़ना छोड़ेंगे। सी इफ जैसे कि यार मुझे बोर हो रहा है ये बुक पढ़ना, लेट्स रीड अनदर बुक नाउ। और जो पार्शियल टाइप के बुक लवर होते हैं वो होते हैं री रीडर। मतलब पहले तो पार्शियल जो आधी किताबें तो पढ़ना पूरा नहीं कर सकते, और ये लोग सेम ही बुक को बार बार पढ़ना चाहेंगे। मोस्टली अगर हम इस टाइप के टॉपिक्स में अगर कोई बुक देंगे तो वो हैरी पॉटर सीरीज। मैंने भी कोई एक दो बुक्स को एक बार 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 पढ़ चुकी, क्योंकि वो बुक्स मुझे इतनी पसंद आ गई है कि मुझे बार बार पढ़ने के बाद भी जो वो सस्पेंस या फिर जो मज़ा रहता है वो जाता ही नहीं है उन किताबों में से। और ये छठवें टाइम के जो होते हैं बुक लवर्स, वो होते हैं फिजिकल बुक लवर्स। उनको ना अगर उसने बोला यार वाई आई एम रीडिंग सो मेनी बुक्स ऑन ऑडियो बुक ऐप लाइक दिस ऐप, इन्हीं ऑडियो बुक ऐप और इन्हीं ई बुक ऐप में मैं किताबें पढ़ रहा, और तुमने कोई तुम्हारी बुक लवर फ्रेंड को प्रेफर करा कि तुम्हें ऑडियो बुक ऐप में से कोई बुक पढ़ो, सो दिव से हैं उनको ना ऑडियो बुक से, उनको चाहते हो कि तुम फिजिकल बुक पढ़ोगे ना, तुम्हारा जो है इमेजिनेशन बढ़ता है, ये सब बढ़ता है, तो मोबाइल वोबाइल में देखकर तुम्हारी आँखें खराब होंगी, इस टाइप के वो एक्सक्यूजेज देंगे तुमको ऑडियो बुक्स नहीं पढ़ने के। सातवें प्रकार के बुक लवर प्राणी होते हैं इमोशनल लवर्स। अब बहुत सारे स्टोरीज होते हैं जिसमें क्या होता है मेन कैरेक्टर या फिर तुम्हारे से पढ़ते हैं तो कोई फेवरेट कैरेक्टर मर जाता है। मेरी एक फ्रेंड है जिसने 14 स्टार्स पढ़ा था, तो वो मुझे बताया कि तू ना तू भी ये बुक पढ़, उसमें ऑगस्टस जो था वो मर जाता है, तो शी ऑल्सो टाइम सेम क्राइज बाई रीडिंग द बुक। और मुझे भी आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बुक ना पढ़ते वक्त वी गो इन द टाइटलिक द बुक, हमें कभी लगता है कि वी आर हम वहाँ पर देख रहे हैं ये सब चीज़ें हो रही है। सो इमोशनल बुक लवर्स ऑलवेज रीड लेक्स टाइप ऑफ बुक्स ओनली। ये जो आठवा अजूबा जो बुक लवर्स होते हैं वो है अडल्ट फिक्शन पढ़ने वाले, मतलब अडल्ट फिक्शन पढ़ने वाले बुक्स, मतलब कि वो सब जो है ना उनको सिर्फ अडल्ट फिक्शन जो यंग अडल्ट बुक्स होती है वो पढ़ना पसंद है, या फिर अडल्ट रोमांस ये सब जो किताबें पढ़ती। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास में लाइक 50 शेड्स ऑफ ग्रे, तो ये एक बुक का एग्जाम्पल है जो ये लोग बहुत पढ़ना पसंद करते, क्योंकि एक्चुअली हाँ क्योंकि ये टाइप की जो बुक्स है वो थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं और लोगों को पढ़ने में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए लोग ये ज़्यादा बुक ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। और जो नवे प्रकार के लोग होते हैं वो होते हैं नॉन फिक्शनल, जिनको ना हिस्टोरिकल स्टोरीज या फिर किसी के बायोग्राफीज लाइक APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी तो इज फेमस, विंग्स ऑफ फायर, महात्मा गांधी की द एक्सपेरिमेंट्स विद माई थ्रूट, और कुछ हिस्टोरिकल बुक्स जो भी होती है उनको वो टाइप की किताबें ज़्यादा पढ़ना पसंद आता है फिक्शन से, क्योंकि नॉन फिक्शन बुक मतलब ट्रूली हुई भी है। और उनको टोटली अपोजिट होते हैं फिक्शनल स्टोरीज पढ़ने वाले लोग, उन्हें देख क्या जो चीज़ें ट्रूली इवेंट्स हुई भी है उसको तो कोई भी देख सकता है, लेकिन जो फिक्शनल बुक्स पढ़ने वाले लोग होते हैं वो लोग खुद से खुद का दिमाग और क्रिएशन एंड इमेजिनेशन यूज़ करके किताब लिखते हैं, तो उसे पढ़ना लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। द लास्ट टाइप ऑफ बुक लवर है स्पॉइलर लवर्स। अब मेरे को तो कभी कभी लगता है कि इनको स्पॉइलर लवर नाम क्यों दिया। इस टाइप के जो बुक लवर्स हैं ना वो लोग वेट ही नहीं कर सकते कोई भी चीज़ का, उनको फास्ट ही फास्ट बताना चाहिए कि क्या होगा आगे कहीं पे क्या होगा क्या होगा, उनको बहुत जाने की ज़्यादा ही घाई होती है। और इस टाइप के जो लवर्स होते हैं मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, क्योंकि उनको कोई का वेट नहीं होता ना कोई पेशेंस होता है, एंड द सेम मुझे बुक का पेशेंस नहीं है, एंड द
मोस्ट लास्ट लास्टली जो मेरी एक फ्रेंड है वो भी बिल्कुल वैसी ही है, द मूवी एडॉप्शन बुक लवर्स, उस टाइप के जो बुक लवर्स होते हैं। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने भी हैरी पॉटर सीरीज की मूवी देखने की वजह से पढ़ने की इच्छा हुई, फॉल्ट इन आवर स्टार्स उसने मूवी देखने के बाद उसको पढ़ने की इच्छा हुई, और भी जैसे पर्सी जैक्सन की जो मूवीज है वो भी उसे मूवी देखने में उसको जो पढ़ने की इच्छा हुई, मतलब कि नहीं तुम पहले मूवी देख लो और बाद में उसे पढ़ो, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है क्योंकि मूवीज़ जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट और खुद की कुछ स्टोरीज डाल के बनाती है, लेकिन तो मूवीज़ से भी सबसे रियल और ट्रू कंटेंट तो बुक्स में होता है, जो रियल है जो भी रियल, वो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मूवी अडाप्शन वाले लवर्स बोलते हैं, क्योंकि मूवी देखने के बाद में वो बुक पढ़ना अडाप्शन करते हैं। सो अगर आपको मेरे बुक टाइप के लवर्स अच्छे लगे और अगर आपको लगता है कि आई हैव मिस्ड एनी ऑफ द वन जो आपने देखे, तो मुझे आप प्लीज़ बताओ, मैं उसके ऊपर भी एक नया वीडियो बना सकती हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो एंड आई विल मीट यू ऑन द माई नेक्स्ट वीडियो।